या गाइस आप लोग भी एक यूट्यूबर हो और गाइस आप लोग भी परेशान हो अपनी बार बार सेटिंग में जाके थंबनेल के लिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन करने में, तो गाइस आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ F5 बटन मोड फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो गाइस बिना किसी देरी को करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को गाइस जेड आर्चीवर को लेना है, देन गाइस वहाँ पर डाउनलोड्स पे जाना है, देन आपको अपनी फाइल को ढूंढना होगा। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, पर मैं ढूंढना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है, और अगर ना हो तो आप इसको दबा के ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर टी आपको लगा देना है, इससे याद आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ चुका है मेरा टाइल सेटिंग ओवरले। देन गाइस आपको करना है इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। देन गाइस आपको यहाँ रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, आपको रीनेम पे क्लिक करना है। देन यहाँ से जिप को हटा देना और डॉट को भी हटा देना है। देन उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, एंड आप यहाँ देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एक बटन आएगा उस पर दबाना है। देन गाइस आपको माइनक्राफ्ट पे दबाना है जस्ट वंस। आप ऑलवेज कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस में होगा। इसी देन गाइस आपको माइनक्राफ्ट खुल जाएगा। ओके मेरा माइनक्राफ्ट, तो गाइस आपका यहाँ माइनक्राफ्ट खुल जाएगा। देन गाइस यहाँ पर मेरा इम्पोर्ट हो रहा है। गाइज़ मेरा तो पहले से इंपोर्ट हो चुका है, इसलिए मेरा ये फेल दिखा रहा है, बट आपका नहीं दिखाएगा। देन गाइज आपको करना सेटिंग में जाना है, देन वहाँ पर आपको ना रिपोर्ट स्क्वायर में जाके इसको एक्टिवेट कर देना है गाइज। देन गाइज जब ये एक्टिवेट हो जाए, देन आपको करना है आप कोई सी वर्ड और उसको सर्वर में प्ले कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा सही बात रहती है गाइज। जल्दी से मैं वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ, एंड गाइज सीट का नाम मैं रख रहा हूँ सब्सक्राइब। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर। देन गाइस जैसे ही आप वर्ल्ड में आ जाओ, आपको यहाँ से डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब मेन्यू का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। देन गाइस आपको करना है इनेबल सेटिंग ओवरले पे क्लिक कर देना है। देन गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है थर्ड पर्सन बटन, फर्स्ट पर्सन, जैसा आप इस पर देख सकते हो। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं सेकंड पर्सन में जा रहा हूँ, थर्ड पर्सन जा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन में जा रहा हूँ, एंड ये तो इमोट्स हो गया गाइस अपना, ये तो नॉर्मल रहता है आपके पास ऑप्शन। देन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक और ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने से आप गेम मोड चेंज कर सकते हो और FOV भी कर सकते हो। अगर ऐसा आप चाहते हो आपको ये वाला ऑप्शन आए, तो उसके लिए आपको पहले क्रिएटिव कर रखनी होगी वर्ल्ड, तभी जाके आपको ये ऑप्शन आएगा। करना गाइस आपको नहीं आएगा ये वाला ऑप्शन, एंड आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ये, यहाँ आप देख सकते हो। और अगर गाइस आप स्पेक्टेटर में चले जाते हो, तो आपको गेम मोड यहाँ से चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसके बाद से आपका चेंज हो नहीं पाता यहाँ से, आप देख सकते हो, वरना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है गाइस। और यहाँ पर एडवेंचर में देख सकते हो, एडवेंचर में भी हो गया है, क्रिएटिव में आप देख सकते हो क्रिएटिव में हो चुका है, देख सकते हो गाइस अब ये क्रिएटिव में भी हो चुका है। देन गाइस यहाँ सर्वाइवल भी है, एंड ये तो नॉर्मल रहेगा गाइस अपना। एंड गाइस अगर आपको जाना आप सेटिंग कैसे खोल सकते हो, जैसे आपको कुछ ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आपको गाइस यहाँ शो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, और ये पर्सनल गेम मोड, तो मतलब जो आपने स्टार्टिंग गेम मोड रखा होगा उसका होता है गाइस। देन गाइस आप शो सेटिंग में क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा ग्लिची रहता है, इसलिए यहाँ पर आपको जॉयस्टिक दिखाएगा। देन गाइस आप सेटिंग से हटोगे तो आपका हट जाएगा। देन गाइस आपको वापस से क्लिक करके इनेबल सेटिंग ओवरले करना है, और उससे गाइस आपका वापस आ जाएगा। एंड गाइस जो लिंक है वो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आई होप यू लव दिस वीडियो, इफ यू लव डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।